हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक्सेल का एक खास फॉर्मूला सिखाना चाहता हूँ जो शायद अभी तक आपने सीखा ना हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये एक्सेल का खास फॉर्मूला है क्या, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर सीरियल नंबर आपको फिल करना होता है तो आप यहाँ सिंपली 1 2 ऐसे करके लिखते हैं, और इसकी अपनी अलग मतलब इससे बहुत ज्यादा आपको आसानी हो जाती है। और यहाँ पर नीचे ड्रैग करवा देते हैं तो ये सब आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको संडे मंडे लिखना है तो केवल आप SUN लिखिए और बस यहाँ से पकड़िए, इसको ड्रैग करवा दीजिए तो सब कुछ आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये अपने आसानी के लिए हम करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कुछ हमको हेडिंग देना है, लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S/N, सीरियल नंबर लिख दिया हमने। और ये जो सीरियल नंबर है इसको एक अलग कलर से हम कलर कर देते हैं। यहाँ पर अब हमको सीरियल नंबर चाहिए, तो एक अलग फॉर्मूला बताता हूँ आपको, एग्रीगेट फंक्शन। इसका अपना अलग फायदा है, किसी समझते हैं कि इसको हम लगाएंगे कैसे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है 2, ठीक है, comma 5। इसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा देना है और आपको इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहां पर F4 दबा के इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है। पहले सिलेक्शन में ले लीजिए और फिर F4 दबाएंगे तो ये फिक्स हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है, ओके। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करना है हमको, देखिए आगे हमें यहां पर सिंपली कोलन लगा लेना है। कोलन लगाने के बाद देखिए ये कौन सा था, E1 था ना, तो आपको यहाँ पे E1 ही लिख देना है। ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहां पर दे दीजिए +1, ठीक है। तो ये एग्रीगेट फंक्शन का यूज सिखा रहा हूं। अब यहाँ पे ये 1 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया तो ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये 2 3 4 5 अपने आप आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये एग्रीगेट फंक्शन का यूज करके है। आप सिंपली भी कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन को यूज करने का एक अलग फायदा है। वो क्या फायदा है आपको बताता हूं। देखिए यहां पर अगर मैं सीरियल नंबर इंसर्ट कराता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कर देता हूं 1, यहां पे कर देता हूं 2, ठीक है, और सिंपली इसको सिलेक्शन में लेता हूं दोनों को और यहां से अब मैं इसको ड्रैग करवाता हूं कुछ इस तरीके से। ये ड्रैग करवा दिया हमने, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसको मैंने डिलीट कर दिया, ये 5 नंबर रो मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो ये डिलीट करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर जा रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये सेट हो गया, लेकिन ये सेट नहीं होगा। ये देखिए 1 2 3 के बाद 5 आ गया। ये फायदा होता है एग्रीगेट फंक्शन यूज करने का। तो आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।